आज इस वीडियो में हम लोग भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी के बारे में जानेंगे। आओ आपको बताता हूँ। भारत की सेनाएं भारत की और इसके प्रत्येक भाग यानी प्रत्येक राज्य बॉर्डर ये सब की सुरक्षा करती हैं। तो भारतीय सेना का प्रमुख कमांडर यानी हेड कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय सेना तीन भागों में बटी है। पहला है भारतीय थल सेना यानी जो जमीन पे लड़ाई करते हैं उनको थल सेना बोलते हैं, उसको इंडियन आर्मी। दूसरी है भारतीय वायु सेना यानी इंडियन एयर फोर्स जो हवाई में जब हवा में युद्ध करते हैं। और तीसरा है भारतीय नौसेना यानी जो जल में युद्ध करते हैं यानी इंडियन नेवी। तीनों सेनाओं के चीफ अलग अलग होते हैं लेकिन तीनों सेनाओं का मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है ना। और तीनों सेनाएं किनके? रक्षा मंत्रालय के अंदर कार्य करती हैं। और तुम्हें पता है जैसे भारत की सेना में 14 लाख से अधिक लोग हैं, यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सैनिक ताकत है। और आर्मी में भारत दूसरे नंबर पे चाइना के बाद है ना। और भारत जो है भारतीय सेना का गठन तो आज़ादी के पहले हुआ था लेकिन भारतीय सेना ने दोनों वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था और दूसरे भी, दोनों में भाग लिया था। और जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ तीन बार युद्ध लड़ा, 1948 में, 1965 में, 1971 में और 99 में कारगिल युद्ध भी लड़ा है। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। भारतीय सेना के पास अभी के समय के जितने वेपन्स हैं, उन्नत आधुनिक वेपन्स, मिसाइल, परमाणु हथियार, पनडुब्बी सब उपलब्ध है। भारतीय सेना द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान जो है वो है परमवीर चक्र, जो सबसे अधिक वीरता दिखाता है उसको दिया जाता है। तीनों सेनाओं को देश के अंदर तथा सीमा पर सुरक्षा के लिए अन्य संगठन भी इनकी सहायता करते हैं, जैसे CRPF। CRPF क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके अलावा BSF होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जहाँ बॉर्डर है मतलब दूसरे देश से हमारी सीमा लगी हुई है ना, उसकी सुरक्षा के लिए करते हैं, जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पे, नेपाल के बॉर्डर पे, चाइना के बॉर्डर पे। इसके अलावा है CISF क्या करता है? CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो इंडस्ट्री है यानी और जितने उद्योग। इसके अलावा एयरपोर्ट पे भी आपको दिख जाएंगे CISF के जवान। इसके अलावा है SSB, PSF ने अपनी सेना के प्रति सम्मान देना चाहिए और सेना के प्रति गर्व अनुभव करना चाहिए। जय हिंद।